आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ, नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले जिटिएमा बसेर गोर्खाल्यान्ड मागमा पोस्टरिङ गर्नु विनय तामाङ नेतृत्वधीनहरूको दोहोरो चरित्र हो भनी बताएका छन्। सांसद विष्टले जिटिएमा व्यापक भाइ भतिजावाद र भ्रष्टाचार चलिरहेको आरोप लगाउँदै पहाडको स्थायी समाधानको निम्ति भाजपा सरकार गम्भीर रहेको र यसको निम्ति बाटो सुगम बनाउन विनयपन्थीहरूले पनि जिटिएबाट राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिक्किमका प्रमुख विपक्षी पार्टी एसडिएफका 10 जना विधायकहरू विधिवत रूपमा भाजपामा सामेल भएका छन्। हिज नयाँ दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालयमा पार्टीका महासचिव राम माधव लगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा एसडिएफका 10 विधायकहरूले भाजपाको सदस्यता ग्रहण गरे। फ्रेंड्स, सिक्किम में पिछले 25 साल से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का नेतृत्व में सरकार रही। इस बार चुनाव में एसडीएफ के 15 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। 2 स्थानों पर एक ही उम्मीदवार दो जगह चुनाव लड़े थे, इसलिए इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पार्टी का स्ट्रेंथ 13 विधायकों का रहा है। उसमें से 10 विधायक सब मिलकर निर्णय किए हैं कि एसडीएफ का जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। इस विषय पर बीजेपी में विचार परामर्श करने के बाद माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर आज कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इन 10 विधायकों का जो एसडीएफ का विधायक दल है, जो 2/3 से ज्यादा संख्या में साथ आया है, उनको भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल किए हैं। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट खरसाङ आइपुगेका थिए। उनले यहाँको गोर्खा जनपुस्तकालयमा भएको सभालाई सम्बोधन गरे। यहाँ सांसद राजु विष्टलाई खरसाङको विभिन्न संघ संस्थाहरू र विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ताहरूले स्वागत जनाएका थिए। सांसद विष्ट लोकसभा चुनावमा विजयी भएर गएपछि पहिलोपल्ट खरसाङ आएका थिए भने यहाँको जनतालाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिनु र यहाँका विभिन्न समस्याहरू विषय जानकारी लिनका निम्ति उनी खरसाङ पुगेका थिए। उनले खरसाङको सभालाई सम्बोधन गर्दै स्थायी राजनीतिक समस्या समाधानको लागि छिट्टै कार्य गर्ने र यसको लागि चाँडै डायलग ओपन गरिने सम्भावना रहेको बताउँदै 11 जातिलाई जनजातिको मुद्दामाथि पनि कार्य भइरहेको बताएका छन्। सांसदले चियाबारी श्रमिकहरूको हितमा पनि कार्य भइरहेको साथै यसको निम्ति देशभरको लागि एउटा कानून बनिएको बताए। सांसदले पहाडमा पुलिस अत्याचार विषयमा बोल्दै पुलिसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ, कारण भोलिको दिनमा जाँच हुँदा अप्ठ्यारो नपरोस् भनी बताएका छन्। सांसद राजु विष्टले खरसाङ क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू र विभिन्न संघ संस्थाहरूको समस्याहरू सुन्नलाई पनि मानिसहरूसित भेटघाट गरेका थिए। ये टीएमसीके जो है मतलब केडरी है जो जीटीए चलाते हैं, और इनको अगर ये वास्तव में गोरखाओं के प्रति ईमानदार है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इनको जीटीए का त्याग कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वो काम जो है डायलॉग स्टार्ट हो सकता है। आज जो है कुछ भी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जाने के लिए ये जीटीए एक अड़चन है, एक व्यवस्था ऐसी बना रखी है जो गैरकानूनी है और जो जनता के एस्पिरेशन को मीट आउट नहीं करती। और मैं हैरान हूँ जो टीएमसी के साथ मिल करके जीटीए चला रहे हैं वही जो है गोरखा लेन को लेकर के पोस्टरिंग कर रहे हैं, और वास्तव में वो मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ वो गोरखा के प्रति ईमानदार हैं तो उनको दीदी से बात कर लेनी चाहिए, और अगर दीदी तैयार है तो मुझे लगता है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो सकता है। नर्सिङ ट्रेनिङको निम्ति दार्जिलिङ अनि कालेबुङको निम्ति छुट्याइएको कोटामा राजनीति भएर पहाडका योग्य विद्यार्थीहरूले स्थान नपाएको माकपा नेता तारा सुन्दासले आरोप लगाएका छन्। समतलका विद्यार्थीहरूले ओबिसी ए आरक्षणमा 60% अङ्क ल्याउनेले स्थान पाएको तर दार्जिलिङ पहाडका 75% ल्याउने विद्यार्थीले पनि
नर्सिङ गर्न नपाएको बताउँदै यस्तो गम्भीर विषयमा सबै संस्था बुद्धिजीवी अनि राजनीतिक दलहरू अघि आउनुपर्ने अपिल गरेका छन्। पश्चिम सिक्किमको दराप स्थित युमा माङगिङ युग परिसरमा आगामी 19 अगस्तको दिन युमा माङ मेडिटेसन सेन्टर कमिटीको तत्त्वावधानमा परम पूजनीय सेदुङ गेम्पा सिकुम सियङ शेरसिङ युमा माङको 15 माङ सावन तङनाम भव्य रूपमा सम्पन्न हुन गइरहेको आयोजक पक्षबाट जानकारी गराइएको छ। उक्त कार्यक्रममा सिकुम सियाङ युमा माङको मुखरविन्दबाट प्रवचन स्वरूप आशीर्वाद ग्रहण गर्न सम्पूर्ण युमा भक्तजनहरूमा उपस्थितिको निम्ति आयोजक पक्षले हार्दिक निमन्त्रणा टक्र्याएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। हैत्री की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो पियासको। PIS पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स, एक्सक्लुसिभ स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्सचर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, द प्लानेट मॉल, सेकेन्ड फ्लोर नियर कॉस्मोस मॉल, अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इन्क्वायरी कॉल 9733341141। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। प्रेमिकाले विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रेमीले अन्ततः आत्महत्या गरेको घटनामा पुलिसले प्रेमिका सहित प्रेमिकाको आमा बाबालाई सोमबार राति पक्राउ गरेको घटना प्रकाशमा आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार अलिपुरद्वार थाना अन्तर्गत पर्ने भलाडाब्री निवासी पापाई मल्लिक 26 वर्षीय पापाई मल्लिकको विगत 8 वर्षदेखि गाउँकै एकजना केटीसित प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। यति लामो प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध रहँदा पनि अचानक केटीले बीचमा धोका दिएर अर्कैसित विवाह गर्ने फैसला लिँदा अवसादमा परेर अन्ततः गत 10 अगस्तको रात घर छेउकै एउटा रुखको डालामा पासो लगाई आत्महत्या गरेका थिए। यस घटना सम्बन्धमा तुरुन्त केटा पक्षको परिवारले धोकेबाज केटी र तिनको परिवार विरुद्ध अलिपुरद्वार थानामा अभियोग दर्ता गरेका थिए भने सोमबार पुलिसले प्रेमिका केटी र तिनका आमा बाबालाई पक्राउ गरेको छ। घटना सम्बन्धमा मृतक पक्षको दाजु रनी मल्लिकले केटीले विवाह गर्छु भनी यत्रो वर्ष प्रेमको नाटक गर्दै मेरो भाइलाई लुटेको र भाइले टोटो चलाएर कमाएको पैसा सबै केटी परिवारले धुतेको आरोप लगाएको छ।
यता आज पुलिसले पक्राउ परेका प्रेमिका सहित तिनको माता पितालाई अलिपुरद्वार जिल्ला अदालतमा लैजाने क्रममा आरोपी केटीको पिता कानै पण्डितले तिनको छोरीको प्रेम सम्बन्ध त्यो केटासित थियो कि थिएन त्यसबारे थाहा नभएको तर केटाले आत्महत्या गरेको दोषारोपण थुपारेको छ त्यसको निर्णय अदालतले गर्ने जनाएका छन्। प्रेम सम्बन्धको कारण पप्पाई मल्लिकले आत्महत्या गरेको घटनाले भोलाडाब्री क्षेत्रमा शोकको लहर छाएको छ। आठ বছর থেকে অনিকা পণ্ডিতের সাথে প্রেমের সম্পর্কে ছিল। লাস্ট দু তিন মাস থেকে মেয়েটা ওকে একটু মেন্টালি টর্চার করছিলো বিয়ে করবে না বলে। বিয়ে মোটামুটি কথাবার্তা হয়েছিল, বিয়ে হবে শোনা হয় না, বাড়িঘরের ওয়াল ফোয়াল সব নিজের টাকায় বানিয়ে দিয়েছে মেয়ের বাড়ির। তারপর দু তিন মাস থেকে ওকে একটু মেন্টালি টর্চার করা হচ্ছিলো কি বিয়ে করবে না। ও অনেকবার রিকোয়েস্টও করছে, ওর বন্ধুবান্ধবের কাছে এগুলো সব শেয়ার করেছে যে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে না, আমি কিন্তু মরে যাবো, আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না। মেয়েটাকে এই কথাটা জানানো হয়েছে সবার তরফ থেকে এবং মেয়েটা সবাইকে একই কথা রিটার্ন করছে যে মরে যাক, আমার কোনো যায় আসে না। এবং পরবর্তীতে আমরা শুনতে পেলাম নাকি মেয়েটা তুফানগঞ্জে বিয়ে ঠিক হয়েছে ওর মামা বাড়ির সামনে। তো ভাই তো আমার চলে গেছে, 10 তারিখ রাতেই চলে গেছে। আমরা চাই মেয়েটার একটা কঠোর শাস্তি হোক, যাতে সমাজে একটা উদাহরণ হয়ে থাকে এটা যে মেয়েরা যদি অন্যায় করে আইনের কাছে মেয়েদেরও ছাড়ি, যাতে আর কোনো মায়ের কোলের থেকে এরকম সন্তান হারা না হয়। सिलगढी स्थित खप्रेलको 8 वाहिनी सशस्त्र सीमा बलका जवानहरूले गुप्त सूचनाको आधारमा इन्स्पेक्टर एस सरकार एन एवं अभिषेक सिंह परिहारको नेतृत्वमा सेनाका जवानहरूले एक विशेष अभियान चलाएर सीमावर्ती क्षेत्रका नक्सलबाडी नजिक एसियन हाइवे 2 को हात्ती घिसामा 2025 भारतीय जाली नोटहरूसँगै संदिग्ध व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रहल जाँच पडतालको निम्ति व्यक्तिलाई नक्सलबाडी पुलिस थानालाई सुम्पिएको छ भने नक्सलबाडी थाना पुलिसले उक्त व्यक्तिको पछि अन्य आरोपीहरू पनि हुन सक्ने सन्देह गरेको बताइएको छ। पश्चिम बङ्गालको कुचबिहार जिल्लामा सत्ताधारी तृणमूल काङ्ग्रेसको कथित आतंक एवं बिजेपी कार्यकर्तालाई जानीबुझी झुटो मामिलामा फसाउने तथा भाजपा मामिलामा कारवाही गर्न पुलिस निष्क्रिय रहेको विरुद्ध भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताहरूले पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराउ गरी प्रदर्शन गरे। भाजपाका हजारौं समर्थकहरूले गाउँको विभिन्न स्थानहरूबाट र्याली निकालेर सागरदिघी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालयको सामु भेला भएर प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। अर्कोतिर भाजपाको यस अभियानलाई मध्यनजर राख्दै सागरदिघी इलाकामा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो भने पुलिसको साथसाथ रैफका जवान पनि तैनात गरिएको थियो। न्यू जलपाइगुडी थाना पुलिसले 3 जुवाडेहरूलाई बाढीभाषा इलाकाबाट पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ परेका जुवाडेहरू रामनगर कलोनी निवासी लालबाबु अधिकारी, बाबलन्त अधिकारी अनि प्रभुदास रहेका छन्। न्यू जलपाइगुडी थाना पक्षले दिएको जानकारी अनुसार खुफिया जानकारीको माध्यम सादा पोसाकमा रहेका पुलिसहरूले अभियान चलाई 3 पक्राउ गरिएको थियो भने पुलिसले जुवाडेको अड्डाबाट धेरै रुपियाँ पनि उद्धार गरेका थिए। 3 आरोपीहरूलाई जलपाइगुडी अदालतमा पेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।